घर के जीवन सन्यासी समझ में यार मैं क्या है। और अब तो शादी नहीं करेगी तो सब ऐसा ही सोचेंगे। तो सन्यासी होते हैं क्या है? तू क्यों नहीं करना चाहती है शादी? क्या है? कर तो रही हूं। कब? इस साल कर देने वाली हूं। देखते हैं। लव है या अरेंज है? अरेंज मैरिज है। अरेंज में किसको ढूंढेगी फिर? फौजी साहब? भाई अपने काम में लग चुके हैं, पूजा खत्म हो गई है, उसके बाद ये लोग थोड़ा बहुत काम जो है समेटने का करने लग गए हैं। ओके बाय बाय ताऊ जी और जमाई जी। सीधे लकड़ियों का गट्ठर बनाने के लिए हाथ में है उनके, गट्ठर कैसे बांधा जाता है। एंड तुम लोग क्या करने वाले हो? हम लोग एडवेंचर करने वाले हैं, हम बहुत सारी पत्तियां तोड़ने वाले हैं, लहसुन छीलने वाले हैं। फिर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? एडवेंचर में, इसलिए फटाफट काम कर लो भैया अभी। ये क्या कर रहा है ये देखो ये भाई, तू कर क्या रहा है? वाह बढ़िया आया। अब इसने मुंह छुपा दिया, गट्ठर बनाने लग गया है। कल की मंदिर के पूजा में यही जलाए जाएंगे ना, तो इनमें ही खाना बनाया जाएगा ना, सब खाना वाना हर एक चीज इसी से बनाया जाएगा। तो दोनों लगे पड़े हैं गट्ठर बनाने के लिए, थोड़ी हेल्प हम भी कर देते हैं ना। ये सोच रहा मैं कैसे जाऊं, लेकिन ये कोशिश जरूर कर रहा है कहीं गिर ना जाए ताशु। ये जाने लगे हैं घास कटाई के लिए, चलो फिर। भिंडा का ताई जी क्या कह रही हो, एक बार जोर से कह के दिखाओ। रोज रोज घूमना घूमना क्या लगा रखा है, कह रही है यहाँ सब अपने हैं, वहाँ सब उनको मिलने आना पड़ा। हाँ ताई ने रोक लगा रखी है यहाँ। तो अब हम लोग जाने लग गए हैं खेत की ओर को, चलो। ये देखो टेम्परेरी टाइम पास, एक दिन के लिए डोका बहुत अच्छा लगता है। यहाँ को देख, जब तुझे परमानेंट इस डोके को पकड़ना पड़ेगा तो इसको पकड़ना भी अच्छा नहीं मानेगी, ठीक है? ये एक सच्चाई है। और ये क्या हो गया है ये डॉगी को? डॉगी शैतानी कर रहा है इसीलिए। बाबले ये डॉगी को देख कैसे मार ले, तेल को भी मारेंगे फिर। अरे बाबरे तू तो शोरियाल होगी अबे, तो शोरियाल लोग तो लगाते हैं, लगा रखा है। हाँ चलो, तो ये लोग लगे पड़े हैं, लाओ मैं पकड़ती हूँ लगा रखा है, कुछ नहीं होता है, लगा करने दो। आज तो तुम्हें मौका मिला है थोड़ा बहुत काम कराने का। हाँ हाँ कटवाना, आज इसी से कटवाओ। ये खड़िया का पेड़ भी हमारा है, बल बहन बस मडवा ही दल दे अब। मडवा दलने के लिए तैयार हो तुम? हैं सच में? ना ना अच्छा, ये झनकीरा हमारे यहाँ, झनकीरा इसे बोलते हैं, झनकीरा जिसकी सब्जी खाने से पूरी झनझन पड़ जाती है पूरे शरीर में। थैंक यू, वाव सनसेट होने के लिए तैयार है, आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ व्यू। वाव तो, और ये देख सकते हैं दोनों ही कितनी सुंदर सुंदर नारियाँ लग रही हैं ये। वाह वाह, नारी नहीं स्त्री, और क्या बोलूँ, महिला। तो ये देखो ये डोके में केवल एक ये भर के ला रखी है बस, ये डोका पूरा खाली है इसका यहाँ पर। अब एक दिन में काट देगी बहन, मैं काट दूँ, चलो देखती हूँ कितना काटती है। डोका खाली लेके आई, एक बार देखो इस डोके को, कुछ भी नहीं है इसमें। मीरा नीचे हो रखा बोल रहे हैं, चलो फिर। का मिल रखा है ना, तभी भिंडी के भी पौधे नजर आ रहे हैं हमको ये। क्या? हाँ छबेली, वही तो कह रही हूँ, माँ तो गाते थे पता नहीं क्या क्या, खेत में ही बैठ के गाना जी। अच्छा जहाँ अरबी लगाई होगी वहीं लगाने के लिए कह रहे होंगे। और यहाँ पर लगाई जा रही है हल्दी, हल्दी के पौधे है ना ये, ऐसे ही लग जाती है हल्दी। अच्छा उस चीज को ठीक है, मक्का काट दूंगी, पागल है मक्का काटने के लिए, थोड़ा सा कोशिश कर चल। आटा है भले दराती से नहीं होगा मेरे से, हाथ से काट, एक बार उनको ट्राई करो, चलो आप काटो फिर वो सीख जाएगी। हाँ उइत केवल कमर में हाथ लगा के खड़ी है, क्योंकि इससे कुछ हो नहीं रहा है, ये सब काट रखा है दीदी ने।
तो केवल कमर में हाथ लगाने के लिए आ रखी आई है और नींद भी आ रही है साथ में। हाँ करके दिखा दी दोबारा उपासी ले। ये देखो एक मुझे एक नई चीज पता चली। वाव, तो मैं ये बोल ही रही थी कि ये सांप की कैचुली जैसी क्या है करके, इसको सांप का मामा बोलते हैं। बल बहन कुछ पता चला? और साथ में ये बिच्छू घास ऐसा लगाना मुझे, हट भी हुआ समझ लो, सांप का मामा सांप तो ये भी मामा, इसका भांजा कहाँ होगा? ऐसा मत बोलो। यहाँ को डोके में लेके आते हैं, कितना ज्यादा घास लेके आ रखे हैं और बहुत ज्यादा भारी। फेरवा लोग हैं जो फेरी निकले तैयार हो गए हैं, जो मुझे नीले जा रहे हैं। एक यहाँ पर ये मेरे से प्रेस करवा रहा है, ये दिख रहा होगा, अगर नहीं करी तो हम खुद कर लेंगे। करो फिर खुद, मैं नहीं कर रही हूँ, जाओ हटो। भाई तू भी ऐसा ही बोल रहा है क्या? काम कर ले कह रहा होगा, हट। तो मेरे को, मेरे लिए क्या लेके आओगे पहले बता रही हूँ, बता रही हूँ पहले। जो जल जीरा वाला नहीं होता है ये, ठीक है, 10 रुपए वाला, 2 बोतलें लेके आना, मैं खुद ही पीऊंगी, चुपचाप से देना मुझको, ठीक है। बोल रहे थे क्या खा रहे हो कह रहे थे, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है, तासु रोने लग गया वहाँ। फिर हमने कहा नहीं नहीं चलो। आ तुम्हारे एजी ओजी का बर्थडे है, कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या विश किया तुमने? मैंने क्या विश किया? क्या उनका तो बर्थडे है लेकिन बेचारों को दे नहीं पाए। तुमने भी कुछ नहीं दिया? ये तो बड़ी ही बुरी बात है। फिर हम भी देने वाले थे लेकिन ये कुछ हो गया, लेकिन दुआ दी होगी ना। एक बार ताई जी एक बार देखे दो ना, मुझे भी तो सुनाई दे, मेरे कानों तक भी तो आवाज आए। चलो वेरी गुड। दादा तुम्हें किससे उम्मीद थी कि कौन बर्थडे गिफ्ट देगा? दीदी से होगी ना, और उनने भी ना ना उनसे तो होगी, थोड़ी सी तो होगी, दे रखा है। चलो चलो चलो, तुमने पहले ही दे दिया था, बोले तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? चलो तब तो अच्छी बात है, तुम दुआ देने आए थे ताई जी। चलो फिर देखूं तो सही, हाँ जो देते हो तुम्हारी मर्जी। चलो जी रोया जाग रोया, हाँ नहीं नहीं ऊंचाइयाँ छूते रहे ना, नाम रोशन करे अपने मम्मी पापा का, इससे ज्यादा क्या चाहिए ना। दो चीज बोलो अपने पापा को, अपने बेटे के बारे में। अभी तक का ये आपके लिए प्लान कर रहे थे कि केक लेके आएंगे, फले फूले तरक्की करे, सुख शांति से जिए, वही है भगवान जी हमारी दुआ, इसीलिए आए हैं, पूजा करने के लिए भी आए हैं, है ना। भगवान इनके भविष्य में अच्छी उन्नति देना, ठीक है ठीक है। हाँ ये नाती आ गया रे। आज के खाने की तैयारी के लिए क्या बना रहे हो दी आप? सब्जी, सब्जी के लिए मसाला यहाँ पर चढ़ रहा हुआ है, और साथ में यहाँ पर क्या बन रहे हैं? ये यहाँ पर छोले उबल रहे हैं। तो दी लगी बढ़िया अपने काम में, ये अंदर सब्जी बना रही है और बाहर मैं दिखा रही हूँ आप बाहर क्या बन रहा है, ठीक है। चलो फिर लेके चलते हैं बाहर। यहाँ पर ये लोग बना रहे हैं पूड़ी। आज खाने वालों की संख्या मेरे को लग रहा है ज़्यादा है। हाँ हाउ इज़ द फीलिंग बताओ, आग में खाना बनाने की? बहुत अच्छी फीलिंग, चलो बढ़िया है। नहीं नहीं मम्मी तू बैठे रहे, ये देखो ये तासु जो है अपने बूबू की गोदी में ही जाते रहता है बस। अभी बूबू को ढूंढ रहा था ये ना, यहाँ देख तो, यहाँ देख तो, बूबू को ढूंढ रहा था ये बाबू ना, बाबू ना, कौन है ये? ये कौन है बता दे, कौन है ये? ए बूबू कह दे तो, बाबू ये कौन है, कौन है बाबू? मैं ले जा दूंगी फिर, जल्दी बता कौन है ये, जल्दी ला, आ जाओ मेरे पास आ जा। नहीं आता है बिल्कुल भी, अपने बूबू को छोड़ता नहीं है। मम्मी, मम्मी के बाद बूबू, मेरे ख्याल से मम्मी से भी ज्यादा कभी कभी बूबू। बाबू को सॉरी बोल रहा है, जा मेला चोना काका, कितना अच्छा बाबू है, ऐसा बोल रहा है सॉरी मैं आपको नहीं ले गया ना। बूबू का गाड़ी ले गया, हाँ फिर नहीं ले गया, सॉरी वो हो गया, सॉरी सॉरी, मान गए तेरे बूबू। बर्थडे पार्टी के लिए यहाँ पर लंच में बैठे गए हैं। अरे तुमको हमारा ताशु बाबू आ गया है खाने के लिए, सबसे पहले मेरा बाबू खाएगा। हाँ बनता है बाबू का, कैसे बनाया था बर्थडे? वही तो, कितना बढ़िया बर्थडे। हाँ फिर यही बर्थडे सबसे बढ़िया भी हुआ, तो बर्थडे बर्थडे कहते कहते 2-3 और मेहमान आ गए हैं बर्थडे बर्थडे में। ये देखो चाचा आपकी कमी थी, मैं आपको ही भूल रही थी, देखो बर्थडे की पार्टी खाने के लिए चाचा भी पधार गए हैं। हाँ रहो गगन रहो मगन कहो है, अरे खाओ गगन रहो मगन वाले हैं ये। चलो ठीक है, एक दो ये देखो लाइट की कमी हो रही है बोल रहे हैं, तो इसलिए देख सकते हैं चारों भाई बहन कितने अच्छे से बैठे हुए हैं।
आप खाना खाने के लिए चले जाओ आप। ये कितना बढ़िया लगा है, ये सबसे बड़े, फिर उसके बाद फिर अच्छा सबसे बड़ी बुआ, फिर ताऊ जी, फिर पापा, फिर चचा, आज चार के चार भाई बहन ब्लॉग में मिल गए। किन के बुआ दिखाओ तो एक बार, दांत दिखाओ अपने, बधाई हो आपको दांत पहनाने के, कितने बढ़िया लग रहे हैं पता है आज हमारे ब्लॉग में। और इसकी तो मैंने ले रखी है, ये कुलकुल का कुल दूल्हा बोल रहा था। बोल रहे हो सबसे पहले लक्ष्मी, लक्ष्मी ठीक है, सबसे बड़ी दीदी, हाँ उसके बाद भाई साहब है भगवान, हाँ भगवान ठीक है, गणेश, गणेश के बाद नारायण, नारायण, ओ बावरे सारे सारे भाई बहनों के नाम जो है भगवान के नाम पर पड़े हैं, मेरे को आज पता चला। लोग बना रहे हो तो हाथ जोड़ के ही बनाना ठीक है। वाह कितना बढ़िया गंडे, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम भगवान की लीला, लीला, हम सब की लीला। अच्छा लीला, माया, माया, तो यहाँ पर से देख सकते हैं लोग खाने में बैठे हुए हैं। हाँ मम्मी माया, मम्मी का नाम मायावल, और आपके महिमा, गणेश की माया, और ठीक है आपकी मन की हुई। अरे नाम नहीं नहीं मन की नहीं, नाम बताओ नाम, मन की मंजू, मंजू अच्छा मंजू। भगवान की लीला, भगवान की लीला तो बोल ही दिया, भगवान की लीला, गणेश की माया, ठीक है ठीक है। और इनकी माँ, इनकी मन की मन की मतलब मंजू है, नारायण की महिमा, वैसे मंजू बोल रहे थे अभी, नहीं मंजू ना तो मन। अच्छा ये लोग पता नहीं क्या करे, बाबू ऐसे नहीं खेल, तू भी खेल जल्दी जल्दी बाबू, और ऐसे खल के ये दिन। हाँ किसकी है, सालीग्राम, चलो दवाई लेके आते, हाँ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे बोल दे रहा है ना, ये देखो, ये देखो आप, देखो आप, देखो 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 देखो, कोशिश। तो दोस्तों ये बच्चों की मस्ती के साथ ही मैं आज के व्लॉग का एंड करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।